الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سارے وقت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں رات دن اللہ کا بنایا ہوا ہے پھر ان اوقات میں سے کچھ وقت ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں ان راتوں میں ان دنوں میں اللہ کو کچھ راتیں کچھ دن ایسے محبوب ہیں اسی طرح مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں پھر بارہ مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں جس طرح بندے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں پھر بندوں میں سے اللہ کو کچھ بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں شہر بازار اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن کچھ شہر اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں پہاڑ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن کچھ پہاڑ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں دریا اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن کچھ دریا ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں پانی اللہ کا بنائے ہوا ہے لیکن کچھ پانی ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں کچھ پھل فروٹ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں جس کو ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے جس کا معنی ہی بنتا ہے حج والا مہینہ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है, फरमाया कि इस महीने में कुछ दिन कुछ रातें ऐसी हैं कि जिनकी इबादत लैलतुल कद्र के बराबर दर्जा रखती। आखिर क्यों ना हो कि इस महीने में अल्लाह पाक ने अपने घर का हज फर्ज किया है मुसलमानों पर, आखिर कुछ वजह तो होगी कि इसी महीने में अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमा कर क़यामत तक के लिए इस मुसलमान उम्मत को कुर्बानी का हुक्म दिया। फरमाया इस महीने के 10 दिन ऐसे हैं जो पहले शुरू वाले, कि अगर कोई इन 10 दिनों में रोज़ा रखता है तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बराबर उसको दर्जा मिलता है। और फरमाया गया अगर 9 ज़िलहज का हज वाले दिन का कोई रोज़ा रखता है तो एक साल जो गुज़र गया अल्लाह उस गुज़रने वाले साल के गुनाहों को माफ़ करता है और पेशगी आइंदा आने वाले साल के गुनाहों को भी अल्लाह पाक माफ़ कर देता। किसी दिन के बारे में ऐसी बात नहीं कही गई। और फिर इसी महीने में अल्लाह पाक ने वो दिन रखा जिस दिन में मुसलमानों पे हज फर्ज किया। मैदान अराफात में जो हज का एक अहम रुकन है, फर्ज है हज का, काफ़ी सारे हाजियों को बयान करने का मुझे मौका मिला। वहाँ मैंने इसी बात को छेड़ा, मुनासिब समझता हूँ मैं आपके सामने भी वो बातें कह दूँ कि इस्लाम की जितनी इबादत है हमारे पास हर इबादत की दलील, हर इबादत का सबूत और वजन, पहली बात तो यह कुरान में मौजूद है। और अगर कुरान में नहीं मिलता तो अहादीस में मौजूद है। और इन तमाम इबादत में से हज तो एक ऐसी इबादत है कि जिसका एक एक रुकन कुरान में मिलता है, कहीं भी इंसान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह पाक खुद उन अरकान को बयान करते। हज का जिक्र भी कुरान में मिलता है और हज किन महीनों में फर्ज है उसका जिक्र भी कुरान में मिलता है। और हज में क्या क्या चीजें फर्ज हैं अल्लाह वो भी कुरान में बयान करते, हत्ता के तवाफ का जिक्र भी कुरान में मिलता है, सफा मरवा का जिक्र भी कुरान में मिलता है, अराफात का जिक्र भी कुरान में मिलता है, मुजदलफा का जिक्र भी कुरान में मिलता है, मीना का जिक्र भी कुरान में मिलता है, कुर्बानी का जिक्र भी कुरान में मिलता है जो हज के रुकन है। किसी कौम और किसी उम्मत के पास अपनी इबादत के सबूत इस तरह नहीं मिलते जिस तरह मुसलमानों को अल्लाह पाक ने अता कर रखे कि हर इबादत का मगज़ और उसकी हकीकत और उसकी रूह अगर को समझने वाला, जांचने वाला हो, मेहनत करने वाला हो, हासिल करने वाला हो तो उसको कुरान के वर्कों में मिलता। और फिर जो असल चीज है कि अल्लाह पाक को इस उम्मत की इज्तिमाईयत, मिल के रहना, जमा होना, इकट्ठे होना सबसे ज्यादा महबूब। आपने अकेले नमाज पढ़ी तो एक नमाज का सवाब है, अगर आपने उस नमाज को जमात के साथ मुसलमानों के साथ मिल के पढ़ा तो आपको 27 नमाजों का सवाब है।
और अगर आपने बड़ी मस्जिद में जाकर एक नमाज जमात से पढ़ी तो आपको 500 नमाजों का सवाब। इज्तिमा जैसे बढ़ता जाता है सवाब बढ़ता जाता है। इज्तिमाईयत अल्लाह को कितनी कबूल और कितनी मंजूर, इस पर अल्लाह पाक कितना बड़ा अजर देते। और वही नमाज अगर मस्जिद नबी में मदीना पाक में जाकर कोई जमात से पढ़ता है तो 50,000 नमाजों का सवाब, इसलिए कि वहाँ इज्तिमा ज़्यादा है। और अगर आदमी वही नमाज मक्के में जाकर जमात से पढ़ता है तो उसको एक नमाज के बदले में 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है, इसलिए कि इज्तिमा बढ़ जाता है। यहां आप एक कुरान पढ़ें तो आपको एक कुरान का सवाब मिल जाएगा। शौक और रगबत से और समझ के पढ़ेंगे तो एक के बदले में 10 कुरान का सवाब भी मिल जाएगा, एक के बदले में 40 और 70 का सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन वही कुरान अगर आप जाकर मक्के में पढ़ें तो एक कुरान का सवाब आपको 1,00,000 का बदले में अल्लाह पाक अता फरमा दे। यानी इज्तिमाईयत, जमा होना मुसलमानों का अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा महबूब है। और आज मुसलमान में इसी चीज की कमी है जिसे हम इज्तिमाईयत कहते हैं कि हम एक हो जाए, जिसमें अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा अजर व सवाब रखा है। हज करने हम सारे जाते हैं, सारे शौक रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, लेकिन अल्लाह की शान है कि वहां भी आज भी यही चीज नजर आती है कि इज्तिमाईयत मुसलमानों की नजर नहीं आती। वहां भी रंग और नस्ल की चीज पैदा हो गई है कि ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। अल्लाह पाक हमें इज्तिमाईयत नसीब कर दे। ये जुमे के दिन को भी इसीलिए जुमा कहा जाता है कि इसमें मुसलमानों का एक इज्तिमा होता है और उस इज्तिमा के सदके में अल्लाह पाक जोहर की 2 रकातों को भी माफ कर देता है और कहा गया कि जुमे में 2 रकातें अदा कर। और जब इज्तिमा में मिलकर मुसलमान दुआएं करते हैं तो हदीस पाक के अंदर फरमाया गया जहां 40 मुसलमान जमा हो जाएं वहां एक आद ऐसा भी होता है कि जिसके सदके में अल्लाह पाक बाकी 39 की दुआ को भी कबूल कर लेते। और जहां 1,00,000 हो जाता है वहां कितने होते होंगे, और जहां फिर 30-40 लाख जमा हो जाए तो वहां कितने होते होंगे जिनके सदके में अल्लाह पाक सबकी हज और सबकी दुआओं को कबूल कर लेते। हज तमाम इबादात में इज्तिमाईयत का रंग ज्यादा रखता है और इसी वजह से हर इबादत का अपना एक नूर है, हर इबादत का एक अपना मजा है, हर इबादत का एक अपना अजर व सवाब है। हज के बारे में कहा गया कि जिसके हज में फिस्क और फजूर नहीं होता, जिदाल नहीं होता, 3 लफ्ज कुरान कहता है, फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, ना हज में रफस हो, ना हज में फिस्क हो, ना हज में जिदाल हो, 3 चीजें। वो जब हज से फारिग होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से निकल के आ जाया। जिस तरह मासूम पैदा होने वाला हर गुनाह से पाक होता है, जिसके हज में ये 3 चीजें नहीं होती वो हज के बाद ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से निकल के आ जाया।
जिदाल कहते हैं जदल को, लड़ाई को, गाली गलौच को, मारकूट को, फितने फसाद को। हज में वो किसी से लड़े नहीं, और अल्लाह की शान है जितना झगड़ा हज में होता है कहीं नहीं होता। शैतान जो है वो ऐसा लड़ाता है हाजी को, जबकि कुरान एक तरफ कहता है कि उसके हज में लड़ाई ना हो। इसलिए कि जिसको हम पत्थर मारते हैं फिर वो अपना बदला भी लेता है। वला फुसूका, फिस्क न हो, हज में गुना न हो। मैं 1978 में सऊदी अरब पहली दफा गया, मदीना यूनिवर्सिटी में दाखला भी मेरा हो गया पढ़ने के लिए। मेरे वाले साहब मरहूम ने मुझे वहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी, फरमाया जैसे मेरा ख़त मिले वापस आ जाओ। हुक्म था, वापस आया। जब मैंने वजह पूछी तो ये वजह उन्होंने जो बयान की, फरमाया बेटा मेरी एक बात याद रखना, जैसे वहाँ इबादात का सवाब बहुत ज़्यादा है, वहीं अगर रहते हुए कोई छोटा सा गुनाह भी हो गया तो उसकी सज़ा भी बहुत ज़्यादा है, जिसे फिस्क कहा जाता है। दुआ दूंगा कि अल्लाह तुझे हज के लिए हमेशा ले जाए, उमरे के लिए ले जाए, ज्यारतों के लिए ले जाए, लेकिन रहने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा कि तुम मक्के मदीने में रह जाए। इसलिए कि नफ्स इंसानी वहाँ रहकर अगर किसी वक्त गुनाह पे मजबूर कर बैठा तो सारी ज़िंदगी के आमाल को तबाह बर्बाद कर बैठा। यही चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने मक्के और मदीने में आने और जाने वाले से कही कि अपने आप को रास्ता ऐसा हो, इधर भी कांटेदार झाड़ी हो, इधर भी कांटेदार झाड़ी हो, आपने दरमियान से गुजरना है। अपने दामन को कांटों से किस तरह बचा के गुजरोगे, जिस तरह वो मुसाफिर एहतियात करता है कि कहीं मुझे कांटा ना लगे, मक्के और मदीने का सफर भी ऐसा ही हो कि ना इधर से कोई गुनाह, ना इधर से कोई गुनाह, ना हाथ में, ना पैर में, ना आंख में, ना जुबान में, सही सलामत गुजर गए तो हज उमरा हो गया, और अगर वहां गुनाह हो गया तो लेने के देने पड़ जाते। गाली गलौच आम चीज है, कभी कभी निगाहों से इंसान वहां ऐसे गुनाह कर बैठता है, कभी कभी इंसान हाथों से वहां ऐसे गुनाह कर बैठता है, कभी कभी इंसान कानों से और दिमाग से ऐसे गुनाह कर बैठता है। कि वो गुनाह इंसान की सारी जिंदगी के आमाल को तबाह बर्बाद कर देते। वहां जाकर नमाज न पढ़े,
वहां जाकर अपने वक्त को जाया कर दे, वहां जाकर झूठ बोले, वहां जाकर दूसरे की चुगली और गीबत करे, वहां जाकर चोरी करे, वहां जाकर किसी का नुकसान करे, और वहां जाकर अल्लाह के हुक्मों को तोड़े, और वहां जाकर अल्लाह के नबी की सुन्नतों को छोड़े, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ सलाम पढ़ने भी जाता हो और नबी की सुन्नत पे रोज़ सुबह उस्तरा और ब्लेड फेर के जाता हो, ये सारी चीजें फिस्क में आती, गुनाह में आती। रफस, जिना की, शराब की, बेहयाई की, बदगोई की बातें करना, बुराई और फहाशी की बातें करना, या जैसे आजकल आम तौर पर एक फैशन बन गया, हज पे जाने वाला पराई औरतों को बहने बना के हज पे लेके चल पड़ा। अब वो एक ही कमरे में रह रही हैं पराई औरतें भी और वो मर्द भी, बहन बना के ले गया। जबकि 90 साल की बुढ़िया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज की इजाजत मांगने आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं को महरम है? कहा नहीं है। फरमाया घर बैठी रहो, अल्लाह तुम्हें घर बैठे हज का सवाब दे देगा, पराए मर्दों के साथ जाकर हज नहीं कर। हमारे यहां ये फैशन बन गया, गांव का एक आदमी जा रहा है तो 20-20 औरतें बहने बन के साथ जा रही। अब ये चीज फिर आगे जाकर जो फितना और फसाद बनती है, हज के सफर के बाद ही हमने भी देखा कि कितनों के घर टूटे, कि वहीं मक्की और मदीने में ऐसा आंख मटक्का हुआ कि हज के वापसी के बाद अपना घर टूटा और उस हज वाले जो भाई बन के गया था उसे निकाह करके बैठ गई। रफस, फिस्क और जिदाल, ये तीन चीजें हज को तबाहो बर्बाद कर देती हैं। हज ही नहीं होता जिससे इन तीन चीजों में से कोई एक चीज भी रवा हो जाती है या हो जाती है। वमा तफालू मिन खैरी यालमहुल्लाह व तज़व्वदु फइन खैरज़्ज़ादित तक्वा व तकून या उलिल अलबाब। हज पे जाने वालों, अकल वालों, इन चीजों से अल्लाह से डरते रहे। कहते हैं कि पुराने वक्तों में पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिले में कोई एक आध हाजी होता था और वो हाजी होता था जिसके अंदर हज होता था और वो हज को लेके आता था। आज हम ईंट उठाते हैं नीचे से 10-15 हाजी निकलते हैं लेकिन हज किसी के अंदर नहीं होता। अल्लाह नसीब कर दे, आमीन कह दें कि अल्लाह सही हज नसीब कर दे। सही हज अगर कोई एक कर लेता है तो फरमाया अल्लाह पाक उसको ऐसे कर देता है जैसे वो मां के पेट से निकल के आ जाए, बिल्कुल अल्लाह पाक। और हदीस के अंदर फरमाया गया कि हाजी जब तक घर नहीं पहुंचता रास्ते में उससे दुआ मंगवाओ, वो तुम्हारे लिए दुआ कर दे, इसलिए कि जब वो दुआ करेगा तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को जरूर कबूल करेगा।
आज हाजी की अपनी वहां दुआएं कबूल नहीं होती तो हमारे लिए बेचारा रास्ते में दुआ करेगा तो क्या कबूल है। वजह वही, शौक और मोहब्बत तो मुझे है लेकिन मैं हज की अजमत को आज तक नहीं समझ सका कि हज चीज क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक बार हज करके, बाकी मौके भी थे नहीं किए, एक तो उम्मत पे शफकत और मोहब्बत के कहीं बार बार करने से मेरी उम्मत पर हर साल हज फर्ज ना हो जाए, लेकिन असल चीज कि हज की जो रूह है, हज का जो फलसफा और मकसद है, वो अगर अल्लाह पाक एक ही दफा दे दे तो वही बहुत है। हर साल 30-35 लाख हाजी हज करता है। कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने हज फरमाया, अरफात में सोए हुए थे तो अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई कि इस साल हमने किसी का हज कबूल नहीं किया, सिर्फ एक मोची के हज को कबूल किया जो मुल्क के शाम के किसी शहर और किसी गांव में बैठकर जूतियां सीता, बस उस एक का हज कबूल हुआ, बाकी किसी का हज हमने कबूल नहीं। परेशानी हुई कि अल्लाह ये जो बेचारे आए पड़े हैं तो इनका क्या होगा। फिर कहते हैं कि दूसरी रात फिर अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई कि तेरी परेशानी को देखते हुए हमने अब यह फैसला कर लिया कि चलो उस मोची के हज के सदके में जितने आए हैं सबके हज को कबूल कर लेते, उस एक बंदे के सदके। अब मैं और आप अल्लाह ले जाए तो कोशिश करें कि मैं एक ऐसा बंदा बन जाऊं कि मेरी वजह से अल्लाह पाक दूसरे के हज को कबूल करे। हज इबादात में से बड़ी महबूब इबादत है, दुनिया में आप किसी की सैरगाह में दो दफा चले जाएं, तीसरी दफा चले जाएं, आपका चौथी दफा जाने को दिल नहीं करेगा, जी भर जाएगा। लेकिन मक्के मदीने का एक ऐसा सफ़र है, अल्लाह आपको रोज़ भी ले जाए तो कभी आपका जी नहीं भरेगा, किसी को कांटों पे चल पे भी जाना पड़ेगा तो वो जाएगा, अपने आप को बेच के जाना पड़ेगा तो भी जाएगा, लेकिन बात सिर्फ जाने से नहीं बनती। मेरे दोस्तों, बात जब बनती है कि मैं हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वाली बात को सामने रखूं, फरमाते हैं मैं हज करने आया तो काले गिलाफ वाला एक कमरा नजर आया, बस और तो कुछ नजर नहीं आया, तो हज से फारिग होकर मैंने सोचा कि मैं क्या करने आया था, सिर्फ इसको देखने आया था, ये तो बगदाद में भी बहुत हैं कोठे और मकान, वहीं देख लेता बहुत। मैं तो आया था जिसको देखने के लिए, वो तो मुझे कहीं नजर आया ही नहीं, तो मेरा हज भी नहीं हुआ। मैं दूसरे साल फिर हज करने इसी घर से आया कि मैं इस मकान के साथ मकान वाले को भी देखूं कि कहीं वो मुझे नजर आ जाए, तो फिर फरमाते हैं कि कहीं कहीं किसी दिन मुझे उसकी एक झलक नजर आई,
लेकिन फिर भी मकान भी नज़र आता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो शिर्क कर बैठा कि मकान को भी देख रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ। शर्त तो यह है कि वो मुझे अकेला नज़र आए। तो तीसरे साल फिर हज करने आया तो फिर हर हर कदम पर मुझे वो अकेला एक ही नज़र आया, फिर बाकी मुझे कुछ और नज़र नहीं आया। अब मैंने समझा कि मेरा हज हो जाएगा। लेकिन आप और मैं अब जुनैद बगदादी वाली नजरें तो रखते नहीं, तो हमारे लिए चलो ये भी है कि यार की निशानियां ही सही, कि मेरे यार ने जहां कदम रखा मैं वहां कदम रख लूं, मेरा यार जहां खड़ा हुआ मैं वहां खड़ा हो जाऊं, मेरे यार ने अगर पत्थर को चूमा तो मैं पत्थर को चूम लूं, मेरे यार ने जूते उतारे तो मैं जूते, यार की निशानियां ही सही। अब यार की निशानियां ढूंढने के लिए फिर यार की जिंदगी को पढ़ना पड़ता है, फिर यार से ताल्लुक बनाना पड़ता है, फिर यार की सुन्नतों पे चलना पड़ता है, फिर यार के तरीकों को इख्तियार करना पड़ता है। और मैं अगर यार के तरीकों को इख्तियार न करूं तो फिर मेरा हज ही नहीं होता, मैं वहां जाकर भी नमाज ना पढ़ूं। आपको कितने हाजी वहां ऐसे मिल जाएंगे जो वहां जाकर भी नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि अब तो एक मुस्तकिल फिरका पैदा हो गया जो कहता है वहां जाकर नमाज ही ना पढ़ो। वो हाजियों को मक्के मदीने में जाकर जमात से नमाज ही नहीं पढ़ने देता, जहां रहते हैं अपनी होटलों में अपनी नमाज। क्यों भाई? कि मक्के मदीने का इमाम तो वहां भी है, उसके पीछे तो नमाज ही नहीं होती। वहां करने क्या गए? मुस्तकिल एक फिरका बन गया जो लोगों को वहां नमाज पढ़ने से ही रोकता। अब मैं मदीने गया खड़ा हूं और मैं रोज अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे उस्तरे फेरता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल ही नहीं करता। और फिर वो जो हज में एक इज्तिमाइयत का रंग है कि सारे जमा हो जाओ, और मैं उस इज्तिमाइयत के रंग में ही नहीं आता। अपनी दो ईंट की अलग मस्जिद बना के खड़ा हुआ हूं, हज वो इबादत है जो रंगों नस्ल को मिटाता है, जुबानों को मिटाता है, कौमों को मिटाता, हर चीज के इख्तिलाफ को मिटा देता। एक ही इमाम के पीछे हर कोई हाथ बांध के खड़ा है, तमाम इख्तिलाफात मिटा दिए जाते। लेकिन मैं इख्तिलाफात को मिटाने के बजाय अपनी दो ईंट की वहां मस्जिद खड़ी कर लूं, इज्तिमाइयत मुसलमानों की मर जाए और वहां जाकर भी मैं फितनों फसाद को फैलाऊं। एक कौम ऐसी भी है वहां जाकर भी फितनों फसाद फैलाती, मुस्तकिल हर साल वतीरा है उनका। मुसलमानों में अबतरी भगदड़ी किस तरह मचाई जाए। एक है उस हुकूमत को बदनाम करना, एक मंशा तो यह होती है, और दूसरी मंशा जो अपना जहन उनका फितना और फसाद का होता है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जहन ही फितनों फसाद का होता है, खैर उनके जहनों में कभी आई नहीं, और वो हैं। बल्कि सियाणे तो कहते हैं कि समंदर में दो मछलियां भी अगर लड़ रही हूं तो वहां भी उन लोगों का जहन पहुंचा हुआ होता है कि मछलियों को भी लड़ाई कहते। इज्तिमाइयत का रंग जो अल्लाह मांगता है मुसलमान से,
जो अल्लाह चाहता है मुसलमान से, जो अल्लाह का रसूल चाहता है मुसलमान से कि मुसलमान एक हो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। वला तफर्रकू, फिरके ना बनाओ। अल्लाह की रस्सी अल्लाह के दीन की रस्सी है, अल्लाह के कुरान की रस्सी है, अल्लाह के हुक्मों की रस्सी है, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की रस्सी है। इसको मजबूती से पकड़ो। हत्ता के हदीस के अंदर फरमाया गया, तमस्सकु बिन नवाजिस, मेरी सुन्नतों को दांतों से मजबूती से पकड़ो। अगर हाथों से छूट जाए तो दांत से न छूटे। वज़कुरु नेमत अल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनेमतिही इख्वान। वो वक्त याद करो जो तुम जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। इस दीन ने, इस अल्लाह के हुक्म ने, इस कुरान ने, इस नबी की सुन्नत ने तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तुम एक हो गए हो। एक होकर फिर भी लड़ रहे हो, फिर भी अपने आप को टुकड़े कर रहे हो। अल्लाह पाक इज्तिमाईयत मांगता है। नमाज के अंदर उस वक्त तक नमाज नहीं होती जब जमात सफे सही ना बन जाए, तुम जमा होकर खड़े ना हो जाओ, वरना एक ही नमाज का सवाब मिलेगा। जमा होकर पढ़ोगे तो 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। अगर घरों के अंदर से तुम्हारी ये इज्तिमाईयत चली गई तो कम से कम खुदा के घर के अंदर तो इज्तिमाईयत को बाकी रखो। और जब इज्तिमाईयत होती है तो फिर आता है वल फजर, मुझे वक्त फजर की कसम। वलयाल अशर, इन 10 रातों की कसम। हर वक्त अल्लाह का बना हुआ है, लेकिन कुछ वक्त अल्लाह को ऐसे महबूब होते हैं इज्तिमाईयत के रंग में कि फिर अल्लाह पाक उन वक्तों की कसम खाता। हदीस के अंदर फरमाया गया कि जन्नत में हमेशा फजर के वक्त का मौसम मिलेगा, हमेशा। न वहां रात होगी ना धूप होगी, हमेशा ऐसे वक्त होगा जैसे फजर का। और फजर का वक्त इज्तिमाईयत का वक्त होता। हमसे तो ये काफिर देखने में बड़े अच्छे नजर आते हैं कि फजर के वक्त कैसे इकट्ठे होकर एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। जिस मुल्क में आप रहते हो, इन मुल्क के लोगों को ही देख लो, कैसे जमा होकर एक्सरसाइज कर रहे होते। एक टेप रिकॉर्ड चल रही है, कैसेट चल रही है, और सारे उस पर डांस में लगे हुए। ये इज्तिमाईयत का रंग जो इनका है, ये अगर इनको सेहत देता है बकौल इनके, जो मेरे अल्लाह और मेरे रसूल का हुक्म है, अगर मैं उस वक्त इज्तिमाईयत का रंग देता हूं तो मेरे ईमान को, मेरे वजूद को, मेरे जिस्म को अल्लाह पाक कितनी सेहत देगा, कितनी तरोताजगी देगा। और उस इज्तिमा वाले दिन के फजर के वक्त की अल्लाह कसम खाता। जिसकी रात ही कोई नहीं, हर फजर की एक रात होती है, लेकिन वल फजर जिसमें अल्लाह पाक कसम खा रहा है, इस फजर की रात ही कोई नहीं।
कहा गया कि 9 ज़िलहज को जब हाजी अरफात में पहुंचता, अगर वो 9 ज़िलहज के दिन को अरफात में आ जाए एक मिनट के लिए भी, उसका हज हो जाएगा। अगर दिन को नहीं आ सका तो वो रात रात नहीं होती, उस रात को भी अगर अरफात में फजर से पहले तक एक मिनट के लिए भी आ जाए तो वो रात दिन के बराबर अल्लाह पाक उसको शुमार करके इसको हाजी बना देता। जो हज का सबसे बड़ा रुकन, हमें हुक्म होता है कि मगरिब की नमाज के वक्त यहां से निकलो, तुमने यहां नमाज नहीं पढ़नी, मुजदलफा में जाके नमाज पढ़नी। लेकिन अगर कोई उस वक्त भी वहां नहीं पहुंचा मगरिब के वक्त, तो शरीयत कहती है रात को भी आ गया फजर से पहले किसी वक्त भी भूला भटका, अल हज जो आरफा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आरफात में आ गया उसका हज हो गया। उस वक्त फजर की अल्लाह पाक कसम खाते, वल फजर, उस दिन के फजर के वक्त की कसम। वलयालन आश्र, 10 रातों की कसम। ये ज़िलहज के पहले से लेकर 10 तक की जो रातें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इन रातों में कोई इबादत करता है तो लैलतुल कद्र के बराबर सवाब मिलता है। ये रातें लैलतुल कद्र के बराबर दर्जा रखती। और अगर कोई रोजे रखता है तो उसके रमजान को रोजों के बराबर उसको सवाब मिलता है। और अगर कोई 9 ज़िलहज का रोजा रखता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साल जो गुजर गया उसके गुना अल्लाह माफ फरमाते हैं, और साल जो आने वाला है पेश की अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ कर देते। और फिर कुर्बान जाइए, फिर इसी महीने में कुछ दिन ऐसे भी आ जाते हैं जिन दिनों में फरमाया कि रोजा रखना ही हराम है। पहले दिनों में रोजा रखो तो रमजान के रोजों के बराबर सवाब, और कुछ दिन ऐसे हैं कि रोजा रखना ही हराम है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताएं कि साल में कौन से दिन ऐसे हैं जिन दिनों में रोजा रखना हराम है, तो आप कहेंगे नहीं पता। ईद के दिनों में रोजा रखना हराम है। ईद के साथ साथ अय्याम तशरीक जो कुर्बानी के दिन होते हैं, जिन दिनों में नमाज के बाद तकबीर पढ़ी जाती है, इन दिनों में रोजा रखना हराम। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन अल्लाह की मेहमानी के दिन होते हैं, कि बंदे अल्लाह के मेहमान होते हैं। हालांकि सारा साल हम अल्लाह के दस्तरखान से खाते हैं, कौन सा दिन है जिस दिन हम अल्लाह के दस्तरखान से नहीं खाते? लेकिन फरमाया कि ये दिन ऐसे हैं कि जिन दिनों में मुस्तकिल तौर पर अल्लाह का दस्तरखान चलता है, और अगर कोई रोजा रखता है तो वो अल्लाह के दस्तरखान से गोया मुंह मोड़ता है, हराम है रोजा रखना। ये अल्लाह की मेहमानी के दिन। छोटी ईद का दिन ऐसा मेहमानी का होता है कि वहां हुक्म होता है रोज ईद से पहले सदका फितर दे दो, और यहां होता है ईद के बाद कुर्बानी दे दो। वहां ईद से पहले गरीब को दस्तरखान पे बिठाओ, और यहां ईद के बाद अल्लाह के दस्तरखान पे गरीब को बिठाओ। रोजा रखना ही हराम बना दिया गया। वशफे वल वतर, जुफ्त और ताक की कसम। उलमा ने लिखा ये कसम भी 9 और 10 दिन की, ये 9वां दिन और 10 का दिन, 9 का दिन और 10 का दिन, 10 जोड़ा बनता है और 9 जोड़े में नहीं आता। ये दिन अल्लाह को इतने महबूब दिन होते हैं,
कि अल्लाह इन दिनों आखिर कोई वजह तो होगी, अल्लाह कसम खाता कितनी अजमतें होंगी, अल्लाह कसम खाता कितनी शाने होंगी इन दिनों में जिनकी अल्लाह कसमें खाता। वल्लैली इज़ा यस हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी, आप और मैं भी तो किसी छोटी चीज की कसम नहीं खाते, जबकि हमें तो हुक्म भी दिया गया है कि जितनी बड़ी चीज की कसम खाओ कसम तुम्हारी होती नहीं जब तक सिर्फ एक अल्लाह के नाम की कसम ना खाओ, बाकी सब कसमें झूठ है। हम जो कसमें खाते हैं और अल्लाह की जात तो बहुत बड़ी जात है जिसकी हम कसम खाएं, और यही वो जात है कि जिसकी अगर कोई झूठी कसम खाता है तो कुरान कहता है तीन रोजे रखें फिर जाकर ये गुनाह माफ होता है, या दस गरीबों को कपड़े पहना या रोटी खिला फिर जाकर ये गुनाह माफ होता है अगर झूठी कसम खा बैठा है, वो भी अल्लाह के नाम की। तो अल्लाह जिस चीज की कसम खाता हो उसकी अजमत को तो अल्लाह ही जानता हूं। मेरे दोस्तों, ये महीना काफरों के हां भी अबू जहल के हां भी इतनी अजमत वाला महीना शुमार होता था कि इस महीने में लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। दुश्मन को मारा नहीं जाता था, किसी से लड़ाई नहीं होती। अल्लाह हम मुसलमानों को भी इस महीने की अजमत का सबक दे दे, हमें समझ आ जाए कि यह महीना कितनी अजमत वाला है। हम मुसलमान एक दूसरे का खून बहाने में लगे हुए हैं इस महीने में भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान अरफात में इस महीने में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया तो खुतबे में सहाबा किराम से तीन चार सवाल किए, पूछा कि बताओ ये कौन सा महीना है। अर्ज किया गया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता। फरमाया अच्छा ये बताओ ये कौन सी जगह है। अर्ज किया गया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता। इरशाद फरमाया आज कौन सा दिन है। सहाबा किराम ने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता। इरशाद फरमाया कि जिस तरह ये महीना मोहतरम है, फरमाया कि जिस तरह ये शहर और ये जगह मोहतरम है, जिस तरह ये दिन मोहतरम है, याद रखो इसी तरह तुम्हारे लिए एक दूसरे की इज्जतें और एक दूसरे का खून मोहतरम है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद इन दिनों में एक दूसरे का खून बहाते रह जाना और एक दूसरे की इज्जतों से खेलते रह जाना। इस महीने की इज्जत करनी, इस दिन की इज्जत करनी है, इस जगह का एहतराम करना। तो मेरे दोस्तों, फमन फरज फीहिन الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, अगर इस महीने में हाजी होते हुए भी मैं लड़ाई झगड़ा करता हूं, हाजी होते हुए भी मैं गुनाह करता हूं, हाजी होते हुए भी मैं फहाशी और बेहयाई करता हूं, और याद रखिए बाज चीजें इस महीने में हाजी के लिए हैं और बाज चीजें हर मुसलमान के लिए, सिर्फ हाजी के लिए नहीं। हाजी पर नौ जिलहज का रोजा नहीं, आपके और मेरे ऊपर है जो हज के अलावा दूसरे शहरों में रहते हैं वो नौ जिलहज का रोजा रखे। हाजी रोजा ना रखे इसलिए कि हाजी अल्लाह का मेहमान है, वो मुसाफिर। हज का एहतराम सिर्फ हाजी पर नहीं, आप पर भी है। जिस मुल्क में भी रहते हो हज वाले दिन का, कुर्बानी वाले दिन का अदबो एहतराम करना। अयामे तशरी का अदबो एहतराम करना।
कुर्बानी के दिनों का हया करना, ये कुरान कुर्बानी के दिन। इन दिनों में अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए अपने दस्तरखान फैला दिए। इन दिनों में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बख्शिश को आम कर दिया, मग़फ़िरत को आम कर दिया, माफी को आम कर दिया, और तुम इन दिनों में अल्लाह की नाफरमानी में अगर पड़े रहो, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने में लगे रहो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को काटने में लगे रहो, तो फिर याद रखो, फिर माफी, फिर बख्शिश, फिर रहमतें, फिर बख्शिशिंग उसकी, फिर नसीब वाले को ही नसीब होती हैं, फिर हर किसी को नसीब नहीं होती। अल्लाह इन दिनों की हमें अजमत नसीब करते। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह को ना तो गोश्त की जरूरत, ना ही अल्लाह को खून की जरूरत, वलाकिन यनालुहु तक्वा। अल्लाह को तो तुम्हारे दिल को देखना है कि तुम्हारे दिल में क्या है। कि आया दिल साफ है या नहीं, आया दिल में अल्लाह आया है या नहीं है, आया दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत आई है या नहीं आई। छोड़ दीजिए इन चीजों को, कुर्बानी, गोश्त, खून, अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तो हमारे दिल की उस धड़कन को देखता है जिसकी वजह से हम कुर्बानी करते, कि करने का मकसद क्या है। यही चीज हज पे फिट आती है, हज करने का मकसद क्या है। सिर्फ यह कि मैं हाजी कहला लूं। कुर्बानी के जानवर आपने देखे होंगे टीवी पे, 12-12 लाख, 10-10 लाख कीमत है। लोग सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि लोग देखें कि मैंने इतने लाख की कुर्बानी की। सजाया जा रहा है, फूल पहनाए जा रहे हैं, मेहंदियां लगाई जा रही हैं, सारा दिन उस जानवर को बाजार में घुमाया जा रहा है कि हर कोई देखे मैं कितनी महंगी कुर्बानी कर रहा हूं। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून। जो दिल को चीज भा जाए, वो चीज जब अल्लाह के नाम पे दोगे, जब दिल को पता चले, तो फिर जाकर वो चीज अल्लाह के यहां कबूल होती। जिस दिल देते वक्त दिल को पता चले कि मैं क्या दे रहा हूं। हमारे यहां तो यहां माशाल्लाह कसाईयों ने कुर्बानी को इतना आसान कर दिया कि घर बैठे गोश्त आ जाता है, ना कुर्बानी का मुझे पता चलता है, ना आपको पता चलता है कुर्बानी चीज क्या है। बना बनाया शाम को गोश्त आ गया, खा लिया, पका लिया, कुर्बानी हो गई। जिस तरह कुर्बानी की अजमत हमारे अंदर से निकली, इसी तरह हज की अजमतें भी हमारे अंदर से निकल गई, इस महीने की अजमतें भी हमारे अंदर से निकल गई। अब आने वाला महीना मुहर्रम है, उसके लिए तो हर कोई तैयारियां अभी से कर रहा है, लेकिन जो अजमतों वाला महीना, जिस महीने में अल्लाह ने अपने घर का हज रखा, जिस महीने में अल्लाह पाक ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमाया, ये महीना भी उसी तरह मोहतरम है। कुरान कहता है अल हज अशहुरुम मालूमात। हज के महीने तो बड़े मारूफ और मशहूर महीने हैं। 3 महीने हज के शुमार किए जाते हैं, शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज। जब लोग कश्तियों पे पैदल सफर करते थे, बहरी जहाजों का होता था, तो शवाल से सफर शुरू हो जाता था। अब तो हवाई जहाजों के हैं, 2 दिन पहले गए, 2 दिन बाद आ गए। 3 महीने हज के फरमाए, फमन फरद फीहिन्न الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج।
अब सिर्फ हाजी के लिए बात नहीं, जो बंदा भी हज की तड़प रखता है फिर ये तीन महीने इन चीजों से बच के रहे। महीने भी तीन और चीजें भी तीन और हज के फर्ज भी तीन। हज के रुकन भी तीन, महीने भी तीन और रोका भी तीन चीजों से गया। रफस नहीं करनी, बेहयाई बदमाशी फहाशी नहीं करनी, फिस्क नहीं करना, गुनाह नहीं करना, जदल नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जिस तरह रोजे में लड़ाई हो तो कहते हैं कि भाई मुझे माफ कर, मुझे रोजा है। कुरान कहता है इन दिनों में भी ऐसा ही हो कि भाई हम नहीं झगड़ते इसलिए कि यह हज का महीना। वमा तफालु मिन खैरी यालमहुल्लाह व तज़व्वदु फइन्न खैरज़्ज़ादित तक़्वा व तक़ून या उलिल अलबाब। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।